नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जिसको लेकर मानकमऊ मंडल सहित ही आपको बता दें कि महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्ष दुर्गा सागर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। और महिला मोर्चा भाजपा की मानकमऊ मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा दुर्गा सागर ने बताया है कि वार्ड 31 मानकमऊ में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि महासागर अध्यक्ष राकेश जैन और प्रदेश मंत्री नूतन शर्मा आरती शर्मा के द्वारा आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अपने मतदान के सही उपयोग करने के साथ साथ बताते चले आपको कि भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और महिला मोर्चा भाजपा की मानकमऊ मंडल अध्यक्ष दुर्गा सागर ने कहा है कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। नाम दुर्गा सागर, मानकमऊ मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा बीजेपी। आज यहाँ आप सेक्टर में आए हैं, यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? आज यहाँ का ये उद्देश्य है कि मैं हमारा जो महिला सम्मेलन था तो इसमें मेरी 35वें वार्ड की है। हाँ, मेरी जितनी भी बहनें हैं ना उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया। कम से कम नहीं तो मेरी 100-150 बहनें यहाँ इकट्ठा हुई हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सब ने मेरी जितनी जो मेरे पद अधिकारी आई थी मेरी बहनें उनको सुना। और दूसरी बात, मैंने इन्हें ये समझाया है कि हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब को एकजुट होना है और हमें अपना हिंदुस्तान बचाना है। जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी अकेले डटे पड़े हैं। खबर मथुरा से है, जहां एक महीने से मकान मालिक घर में चौकीदारी कर रहा था। पैसा देखकर नौकर लालच में आ गया और अपने ही मालिक की हत्या कर दी। बता दें आपको कि जिसके बाद से मकान मालिक का कीमती सामान, स्कूटर और घर के जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गया था। मथुरा पुलिस ने प्रियाकांत जू मंदिर से ही सोनू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसकी धर्म पत्नी को जेल भेज दिया है। क्या खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 16 फरवरी को थाना वृंदावन क्षेत्र के चैतन्य विहार फेज वन में मकान नंबर 122 में रहने वाले श्री राधे श्याम अग्रवाल की निशंस हत्या और उनके यहां से कैश तथा स्कूटी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्काल एसपी सिटी सीओ सदर वृंदावन और क्राइम ब्रांच की टीमें घटना के अनावरण में तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लग गई, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें दो अभियुक्त सोनू रैकवार और उसकी पत्नी गंगा उर्फ गायत्री रैकवार, जो कि दमोह जनपद के रहने वाले थे और इन्हीं के यहाँ पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे थे। बुलंदशहर में पुलिस की अंतर्राज्यीय डकैती गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। और बताते चले कि एसटीएफ यूनिट गौतम बुद्ध नगर और थाना गुलावटी पुलिस की अंतर्राज्यीय डकैती गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। वहीं क्रॉस फायरिंग में 1,25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी ढेर हो गया है। और इतना ही नहीं, 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं और अपराधियों के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। ये कल देर रात्रि थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1,00,000 रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। खबर उन्नाव से है, यहाँ स्कूटी सवार दो युवक खड़े डीसीएम से टकरा गए और स्कूटी चला रहे किशोर का सिर डीसीएम पर लदे लोहे के पिलर से ही टकरा गया। हादसे में उसकी मौत हो गई है। वो हेलमेट नहीं लगाए था और हादसे में उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर में
एक खड़े हुए डीसीएम में दो स्कूटी सवार व्यक्ति आगे पीछे से टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक घायल हो गया। सूचना पाकर तत्काल पुलिस पहुंची, मृतक का पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया, घायल को अस्पताल भेज दिया गया। आगे जांच की जा रही, अन्य जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर विधि कार्रवाई की जाएगी। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मौत का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। बताते चले आपको कि इसको लेकर उन्नाव से खबर है जहां पर पता चल रहा है कि स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत का ये मामला सामने आया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ही युवक जो है गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के थाने के पास ही नगर पालिका शमशाबाद के अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। बताते चले कि नगर पंचायत के ठेकेदार ने मंत्रालय की दीवारों पर ही भगवा टाइल्स लगवाए गए हैं और वहीं नगर पंचायत के ठेकेदार मंत्रालय की दीवारों पर भगवा टाइल्स लगवा कर सनातनियों के धर्म कर ठेस पहुँचा रहे हैं। चले रुकर अगली खबर की ओर। हमीरपुर में ही विगत साल कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के बड़े हादसे के बाद भी जनपद हमीरपुर के प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जनों लोगों ने बैठकर यात्रा की, वहीं जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों में पुलिस का पहरा नहीं है। गौरतलब है कि कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद सीएम योगी ने ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रियों के सफर पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। हरदोई के मल्लावा इलाके में एक हिस्ट्री शीटर की करीब 22 लाख रुपए की संपत्ति ढोल बजाकर कुर्क की गई है। ये कार्रवाई डीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने और पुलिस ने की है। बताते चले कि हरदोई में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के मतिया मऊ निवासी हिस्ट्री शीटर अपराधी जुद्दी उर्फ जमालुद्दीन की संपत्ति कुर्क की गई है और इसके विरुद्ध में ही गोवध अधिनियम आदि के मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। और इस मामले में डीएमएसपी सिंह के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस ने एक मकान, तीन दुकान जिनकी कीमत करीब 22,70,000 रुपए की है, उसको कुर्क किया गया है। डुबडुगी बजाकर एसडीएम और सीओ बिलग्राम के साथ माधोगंज एसओ ने कुर्क की कार्रवाई की है। ये गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम एवं अन्य मारपीट बलुआ की धाराओं में पंजीकृत गैंगस्टर जुद्दी उर्फ जमालुद्दीन निवासी ग्राम मटिया मऊ के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी महोदय हरदोई द्वारा आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के क्रम में आज उनका मकान, जिसमें तीन दुकानें और चार पक्के कमरे स्थित हैं, जिसकी लागत 22,70,000 तथा बाजारू मूल्य तकरीबन 80,00,000 के आसपास, वो पूर्ण किया गया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में 1.5 माह पहले बीए की छात्रा गायब हो गई थी और मामले में छात्रा की मां की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है और अब 1.5 महीने बाद छात्रा को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महेश्वरी शर्मा का कहना है कि उनकी पुत्री मोहिनी 2 जनवरी को अपनी सहेली खुशी के साथ जेएमवी कॉलेज में पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई और 4 जनवरी को पीड़ित परिवार ने मोहिनी की सहेली खुशी और उसके भाई गौरव कश्यप सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप ये भी है कि मोहिनी अपने साथ घर में रखे सोने चांदी के ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी और बावजूद इसके 1.5 महीने बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक ना तो सामान बरामद किया है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी शहर में ही बालाजी महाराज का दरबार लगता है और महंत और आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक हमारी इस बीच में कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकदमा हमारी छोटी सिस्टर मोहिनी शर्मा 2 तारीख को सुबह 9 बजे घर से कॉलेज बोल के गई थी। हमने जब इसका पता लगाया, जब शाम को हम घर पे आए, 4-5 बज चुके थे, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। उस बीच में हमने पता लगाया
कि हाँ हमारी बहन कहाँ है, तो हमें किसी ने बताया कि इन लोगों के घर पे ताला पड़ा हुआ है। ये लड़का बालाजी का दरबार लगाता था, सनी इसकी छोटी बहन खुशी उसके साथ में पढ़ती थी और उसी का सारा सारा षड्यंत्र ये रचा हुआ है। उसी ने और खुशी गौरव सनी खुशी के मोहिनी के पैर छूता था, उसने बालाजी की कसम खाई थी कि हमारा और इसका कोई नहीं है, हम दोनों बहन भाई हैं। बालाजी के नाम पर उसने बहुत ही बुरा किया है और यह वो कलंकित है, इसलिए हमारी यह सुनवाई की जाए, हमें इन लोगों से जानमान का खतरा है। क्या मुकदमा दर्ज कराया? हमने 4 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारी लड़की जो है सनी गौरव कश्यप और उर्फ सनी ले गया बैला फुसलाए के। क्या करते हैं ये? वो दरबार लगाता है बालाजी का, महंत है। महंत है हाँ, अब निष्कौशिक कचेला है वो ले गया है। तो मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई वो नहीं ली, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना अभी तक कोई आरोपी मतलब उन लोगों ने गिरफ्तार किया है, कुछ भी नहीं सुनवाई गई हमारी। कितना टाइम हो गया, कब जब कब कराया था मुकदमा दर्ज आपने? 4 जनवरी को कराया था। 4 जनवरी को कराया, लगभग 1.5 महीना बीत गया जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अब आप क्या चाहते हो? अब हम जो चाहते हैं, कोई मुलजिम भी नहीं पकड़ा गया है, लड़की भी आज आई थी थाने में और वो भी हम लोगों की बिना मर्जी से उन लोगों ने भेज दी। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लापता युवती अब बरामद हो गई है, वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी प्रांजल गुप्ता हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। प्रांजल, लापता युवती अब बरामद हो गई है लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहिए पूरा मामला, 1.5 माह पूर्व जो है लापता हो गई थी, बैलाब फुसला के ले जाने का आरोप है, जो कि बालाजी का दरबार यहाँ पर लगाता है, गौरव कश्यप नाम है युवक का, उसके ऊपर सीधा सीधा एक आरोप लगाया गया और पुलिस ने हालांकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन लड़की बरामद भी कर ली, लेकिन जो आरोपी है उनको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। जी जी, प्रांजल परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं, अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं प्रांजल? जी, परिजनों का साफ तौर से कहना है कि लड़की को जो बरामद किया है, कोई ना तो लड़की से मिलने दिया जा रहा है और ना ही जो आरोपी है उसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 8 लोगों के खिलाफ में और 8 लोगों में से किसी को भी जो है पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस का पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि राजनीतिक दबाव यहाँ पर जो है पुलिस को देखने को मिल रहा है, इस पर थोड़ी का आरोप यहाँ पर परिवार वाले लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन उन लोगों को प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो सीधे सीधे पुलिस से उन्होंने मांग की है, साथ ही उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनसे भी जो है उन्होंने मांग की है कि हमारी हमें जो है न्याय मिले और आरोपी जो है गिरफ्तार। जी प्रांजल, परिजन पुलिस पर भी आरोप लगाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसमें कितना मामला सामने आया अभी? जी, जिस तरीके से पुलिस की जो हिला हमारी यहाँ पे देखने को मिली है, 1.5 महीना हो गया, 4 जनवरी का मुकदमा दर्ज है, आरोपी 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने एक भी किसी भी मुलजिम को जो है आरोपी को जो है यहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की यहाँ पर सीधी हिला हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुलिस का जो रवैया जो है वो यहाँ पर ठीक नजर नहीं आता है और इसी को लेकर परिवार वाले जो है आक्रोशित है और मांग कर रहे हैं लगातार कि उन आरोपियों की जो है गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी। जी प्रांजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आरोपी गिरफ्तारी जो है उसमें पुलिस नाकाम नजर आ रही है और लगातार परिजन इसको लेकर मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन पर बलरामपुर में अवशेष विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और इस रूट पर ही इलेक्ट्रिक इंजन की रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर एच के गुप्ता ने बलरामपुर पहुंचकर विद्युतीकरण की गई है और रेलवे लाइन का ओपनिंग इंस्पेक्शन किया गया है और इस रूट पर ही इलेक्ट्रिक इंजन की गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा और इस रेलवे लाइन के विद्युतीकरण को जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर एस के गुप्ता ने बताया है कि सुभागपुर से ही
पेड़वा के बीच विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद यहां से इलेक्ट्रिक इंजन की रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा और इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि कई रेलवे डिवीजन को भी डीजल के अधिभार से बचाया जा सकेगा। सुहागपुर का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसी का ओपनिंग इंस्पेक्शन आज है। इस लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का जितना भी रेलवे ट्रैक है NER, नॉर्थन NCR आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी के साथ इस रूट पर जितनी भी ट्रेनें डीजल से चलती थी 11 पेयर ट्रेन से वो भी लखनऊ डिवीजन इलेक्ट्रिक पर चला पाएगा। इससे लखनऊ डिवीजन को 80-90 करोड़ डीजल के राजस्व की बचत भी होगी और पैसेंजर्स ट्रेन जो गोंडा में लोकोमोटिव डीजल से इलेक्ट्रिक करने में समय लगता था वो भी समय बचेगा। इस क्षेत्र की प्रगति से जुड़ा हुआ वर्क है जो आज आरी के द्वारा कंप्लीट होने जा रहा है और कल से इसमें लखनऊ डिवीजन ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएगा। तो आपको बता दें कि इस रेलवे लाइन के विद्युतीकरण हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर ही 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर SK गुप्ता ने बताया है कि सुभागपुर में से पचपेड़वा के बीच ही विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद यहां से इलेक्ट्रिक इंजन की रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि कई रेलवे डिवीजन को डीजल के अधिभार से ही बचाया जा सकेगा। बिजनौर के थाना क्षेत्र के गांव नसीर दिवाला में सोमवार को ही CDO बिजनौर पूर्ण बोरा और इसके साथ ही SDM अधामपुर मनोज कुमार पहुंचे और गांव में बनी गो आश्चर्य स्थल का निरीक्षण किया। वहीं आवश्यक को निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि CDO ने गांव नसीर दिवाला में बने पंचायत घर के बगल में ही पटपड़ी ग्राम समाज की भूमि में खेल मैदान बनने हेतु जगह चिन्हित कराई और कहा कि खेल मैदान बनने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और ग्रामवासियों ने CDO के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि छुट्टा पशु बेहद ही नुकसान करने में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द सभी छुट्टा पशुओं को गौशाला में छोड़ा जाए और CDO ने भी गांववासियों की बात सुनकर समस्याएं जो है वो नोट कराई हैं। उधर CDO ने गौशाला में ही बने तालाब को अच्छे तरीके से बनने के लिए ग्राम प्रधान को निर्देशित किया और इस मौके पर CDO बिजनौर पूर्ण बोरा SDM धामपुर मनोज कुमार BDO ईगो और उसके साथ ही नगर पालिका शेरकोट पंचायत सचिव और नसीम अहमद प्रधानपति जुदीन लेखपाल आदि मौजूद रहे। ये किस समय क्या है? देखिए जैसे वो जो आवारा पशु की समस्या है इसके तहत ही हम लोग SDM साहब भी यहाँ पे हैं, BDO साहब भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक बेहद गौशाला बनाने जा रहे हैं जैसे अभी जो पशु शेड है इसका क्षमता 40 है। हम लोग और यहाँ पे 6 और एक्स्ट्रा पशु शेड बनाएंगे तो लगभग हम लोग 250 के आसपास पशु यहाँ पे हम लोग संरक्षित कर पाएंगे। तो यही हम इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे, कल से काम स्टार्ट होंगे पशु शेड की और नियर बाई जो चारा का भूमि है वो भी हम लोगों ने देखा कैसे यहाँ पे चारा का भूमि यहाँ से अटैच करवा देंगे ताकि ये गौशाला बढ़िया से चले। जी आज का क्या इसमें क्या क्या आपको कमियाँ पाई गई? कमियां तो कुछ नहीं है, कमियां ढूंढने के लिए ना हम लोग आए थे, इसमें हम लोग ये देखने आए थे इसमें कल से कैसे काम इसको स्टार्ट किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।